हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी स्टडी में, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कि हम कैसे किसी कीपैड को अपने आर्डिनो यूनो बोर्ड के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस कीपैड से लिए जाने वाले हर इनपुट को हम लोग कैसे अपने सीरियल मॉनिटर के अंदर शो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ इसके कनेक्शंस और सारी पिंस को समझेंगे। तो चलिए इसके हर एक बटन के कनेक्शन को हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये एक 4x4 का कीपैड है। ये वाला एक 4x4 का है और एक जो ये वाला है ये 4x3 का है। तो ये 4x4 और 4x3 का मतलब ये है कि इस वाले कीपैड में चार रो हैं, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो एंड चौथा रो। तीन कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो इसका जो नाम पड़ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 4x3 कीपैड, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें चार रो हैं, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो और चार कॉलम हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको इसको जो नाम हम लोग देंगे, इसका नाम हो जाएगा 4x4 का। ये हमारा 4x4 का कीपैड है और ये 4x3 का कीपैड है। तो 4x3 में जो टोटल पिने होंगी वो 7 पिने होंगी। 7 पिने कैसे, ये देखिए इसमें चार रो हैं, तो आर की संख्या कितनी है, चार है। कॉलम कितने हैं, तीन है, तो आर है चार, सी है तीन। तो ये देखिए आर की पिने हो जाएंगी चार और सी की पिने हो जाएंगी तीन, ठीक है। चार पिने रो वाली और तीन पिने कॉलम वाली। अच्छा, अगर इसमें देखें तो इसमें 4x4 है, मतलब कि रो भी चार है और कॉलम भी चार है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी चार रो की पिने हो जाएंगी और ये चार कॉलम की पिने हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके कनेक्शन को समझते हैं और ये देखते हैं कि कैसे इनके पिनों को बाहर निकाला गया है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक कॉलम का वायर बनाएंगे, यह है कॉलम वन वायर, ये कॉलम टू वायर है, ये कॉलम थ्री वायर है और ये हमारा कॉलम फोर का वायर है, ठीक है। देखिए चार कॉलम तो हो गए, हमें चार रो बनानी है। तो ये पहली रो हो जाएगी R1, ये दूसरी रो हो जाएगी R2, ये तीसरी रो हो जाएगी R3 और हमारी जो ये आखिरी रो होगी ये हो जाएगी हमारी R4, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका एक तार आगे ले लेंगे, इसका एक तार आगे ले लेंगे, इसका एक तार आगे ले लेंगे और इसका एक तार आगे ले लेंगे। तो ये हमारा R1, R2, R3, R4 ऐसे चार तार निकला है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये R1, R2, R3, R4 चार तार हैं, है ना। तो तार ऐसे ही आए हैं और ऐसे हम लोग अगर कॉलम का देखेंगे तो कॉलम में इस तार को आगे बढ़ा दें तो ये C1 हो जाएगा और इस तार को आगे बढ़ा दें तो C2 हो जाएगा। ऐसे ही ये C3 और ये C4। तो अगर इन चार तारों को बाहर निकालें तो ये C1, C2, C3, C4 वाले वायर हो जाएंगे। तो यहाँ देखें, यहाँ आप देखेंगे तो हमारे पास पहला वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर, चौथा वायर, पांचवा, छठा, सातवा एंड आठवा, टोटल मेरे पास आठ वायर आ गए हैं। ये चार यहाँ पे और चार यहाँ पे। तो आप ओरिजिनल कीपैड में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आठ वायर होते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें चार रो वाले और चार कॉलम वाले, ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, कनेक्शन समझते हैं। तो देखिए आप लोग देख रहे हैं इसमें यहाँ पर वन है, ठीक है, यहाँ पर वन है। तो भाई इस जगह पर वन कौन है, तो वन हमारा फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का जो ये मीटिंग पॉइंट होगा, ये मिलने वाला जो पॉइंट होगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा वन, ठीक है। ऐसे ही हमारा
यहाँ पर, ये टू यहाँ पर है, तो टू यहाँ पर मतलब इसका ये हुआ कि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यहाँ पर टू हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर थ्री हो जाएगा, यहाँ पर फोर हो जाएगा, यहाँ पर फाइव हो जाएगा और यहाँ पर सिक्स एंड सेवन एट नाइन, ठीक है। यहाँ पर आप स्टार ले लेंगे, यहाँ जीरो ले लेंगे और यहाँ हैच, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ पर डी। तो देखिए अगर हमें टू को प्रेस करना है तो कौन कौन से वायर एक्टिव होंगे, ठीक है, हमें इस बात को पहले समझना होगा। तो देखिए आप अगर टू को प्रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप सी टू वायर को छेड़ेंगे, ठीक है, सी टू वायर और ये आर वन वायर, तो सी टू और आर वन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस वाली पिन में एक सिग्नल चला जाएगा और ये सी टू वाली पिन में यहाँ पर एक सिग्नल आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हर एक की प्रेस करने पर हमारे दो वायर में सिग्नल पहुँचेगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर चलिए फोर को देखते हैं, अगर हमने मान लीजिए फोर प्रेस किया तो कौन कौन से पिन्स एक्टिव होंगी या कौन कौन से रो और कॉलम्स एक्टिव होंगे। हमने अगर फोर प्रेस किया तो यहाँ पर हमारा कॉलम वन एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि भाई फोर किस में आता है, कॉलम वन में, और साथ ही साथ जो फोर है वो रो टू का भी हिस्सा है। तो कॉलम वन वाली पिन मतलब कि ये पिन, ये वाली पिन और साथ ही साथ रो टू की पिन जो कि ये वाली पिन है, दोनों पिनें एक्टिव हो जाएंगी या फिर इनमें सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इनकी वर्किंग होती है। तो इसको करने के लिए हमें अपने प्रोग्राम के अंदर एक 2D एरे इम्प्लीमेंट करना होगा, जिसमें हम लोग इसके की मैपिंग करेंगे और साथ ही साथ इसकी फंक्शनैलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने 4x4 के कीपैड की जो पिन्स हैं उनको कंटिन्यू दो नंबर की पिन से जोड़ रखा है। तो पहले दो नंबर की पिन, तीन नंबर पिन, चार नंबर पिन, ऐसे करते करते 9 नंबर की पिन तक लगातार इसको जोड़ रखा है, ठीक है। ऐसा आप लोग भी कर लीजिए और हम लोग प्रोग्राम में डिफाइन कर देंगे एक्चुअली कि हम लोगों ने किस पिन से कौन सी पिन को जोड़ रखा है। तो चलिए हम इसके सिंपल सी प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने आर्डिनो यूनो एप्लीकेशन के अंदर और देखेंगे कि ये कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे जो कि होगी एज इंक्लूड कीपैड डॉट हेडर फाइल, ठीक है। इसके बाद हम लोग कॉन्स्टेंट बाइट बनाएंगे, कॉन्स्टेंट बाइट रो नाम के, इसमें हम लोग नंबर देंगे रोज के, जितने भी रो होंगे हमारे, ऐसे ही कॉन्स्टेंट बाइट बनाएंगे कॉलम की, इसमें कॉलम्स की संख्या देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक कैरेक्टर टाइप का 2D एरे बनाएंगे, ठीक है। तो हमने कैरेक्टर लिखा और एरे के कोई भी नाम हम लोग ने ए नाम दे दिया और यहाँ पर उनकी डायमेंशन, यहाँ पर 4 और ये 4, ठीक है। हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं यहीं पर ही, इज इक्वल टू, हम लोग 2D एरे के अंदर यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। तो इसमें 1, ऐसे ही यहाँ पे 2, 3 एंड इधर आ जाएगा हमारा A, ओके, ठीक है, कॉमा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4, 5, ये यहाँ पर 6 और यहाँ पर हमारा बी आ जाएगा। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पर 7, जैसा हमारा कीपैड दिखता है सेम वैसे हम लोग इसको बनाएंगे, 7, यहाँ पर हो जाएगा 8, नाइन एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा सी, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर दे देंगे स्टार
फिर जीरो आ जाएगा। ऐसे हमारा यहाँ पर हैज आ जाएगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा डी। ओके ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बाइट टाइप का एक एरे बनाएंगे जो कि हमें पिंस की वैल्यू को बताएगा। तो पहले हम लोग आर पिंस बनाएंगे, मतलब हमारी रो की पिंस, इसमें रोज को पास करेंगे और यहाँ पर हम लोग इसमें जो वैल्यू देंगे वो यहाँ बताएंगे कि हम लोगों ने कौन कौन सी पिन के साथ में एक्चुअली जोड़ रखा है। तो देखिए यहाँ हम लोगों ने रोज को जोड़ रखा है 9, 8, 7 और 6 नंबर की पिन से। तो 9, 8 और 7 और 6 इस एरे में पास कराए जाएंगे। यहाँ पर 9, 8, 7 और 6 ठीक है। अब हम लोग साथ ही साथ यहाँ पर एक और बाइट बनाएंगे कॉलम के लिए, सी पिंस के लिए ठीक है। इसमें कॉलम सी ओ एल यू कॉलम्स। अब हम लोग इसमें फिल करेंगे उन पिन की वैल्यूज़ को जो कि कॉलम के साथ में अटैच होंगी, कॉलम वाली पिन्स के साथ में अटैच होंगी। तो यहाँ पर 5, 4, 3 एंड 2 ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग अपना कीपैड का जो कंस्ट्रक्टर होगा उसको यहाँ पर लगाएंगे और उसमें 5 तरह के पैरामीटर्स को पास करेंगे ठीक है। तो चलिए बनाते हैं कीपैड। इसका नाम कीपैड इज इक्वल टू कीपैड, यहां पर मेक की मैप, इसका के बड़ा होगा ओके। एंड इसमें पास करेंगे हम लोग आर पिंस की वैल्यूज को, आर पिंस और सी पिंस, सी पिंस ओके। एंड इसके बाद रोज को और साथ ही साथ कॉलम्स को हम लोगों ने कॉलम्स दिया है ठीक है। इसको बंद कर देंगे एंड हमने यहाँ पर सब पैरामीटर्स को पास करा लिया है इसमें। इसके बाद हम लोग यहाँ पर वॉइड सेटअप बनाएंगे, वॉइड सेटअप और वॉइड सेटअप के अंदर हम लोग यहाँ पर सीरियल बिगिन, सीरियल डॉट बिगिन 9600 बाउड। तो हम लोगों ने इस लाइन का यूज़ यहाँ पर अपने सीरियल मॉनिटर को आर्डिनो यूनो के साथ में कम्युनिकेशन रेडी करने के लिए बनाया है ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर वाइड लूप को लिखेंगे, वाइड लूप। इसकी बॉडी के अंदर हम लोग एक कैरेक्टर नाम का वेरिएबल बनाएंगे, कोई भी नाम जैसे यहाँ पर एक्स ले लिया। ये क्या करेगा कि ये कीपैड डॉट गेट की यहाँ पर के बड़ा बन जाएगा। देखिए यहाँ पर जब भी कोई की प्रेस करेंगे हम लोग ठीक है, तो वो वैल्यू गेट की के पास आएगी, फिर इसके बाद वो कीपैड नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर चली जाएगी ठीक है। और इतना करने के बाद जो वैल्यू होगी वो एक्स नाम के कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी ठीक। और हम लोग अब इस वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ जो एक्स की वैल्यू होगी अगर वो इक्वल नहीं है ज़ीरो के, तब हमारा सीरियल मॉनिटर चले, सीरियल डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन ये वैल्यू प्रिंट करेगा एक्स की ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको बंद कर देंगे ओके। हमारा प्रोग्राम पूरी तरीके से रेडी है, तो चलिए इसको कंपाइल करते हैं।
यहाँ पर एरर आई है, एरर एक कॉलम वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, ठीक है इसको कॉलम्स कर लेते हैं, ठीक है फिर से कंपाइल करते हैं इसको। ओके कंपाइलिंग डन, तो चलिए इसको अपलोड करते हैं।